आज मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए फूल जैसा डिजाइन है ये कार्डिगन में और जेंट स्वेटर में दोनों में ही अच्छा लगता है। और अगर जेंट स्वेटर में डालेंगे तो आप इसको बॉर्डर बनाने के बाद डाल सकते हैं, और अगर आप कार्डिगन बनाएंगे तो आप चाहे तो इसमें बॉर्डर नहीं भी बनाएंगे तो ये एक स्क्रॉल बॉर्डर की तरह लुक देता है। ये देखिए ऐसे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 5 स्टिचेस हमें एक्स्ट्रा डालनी है और 2 स्टिचेस हमें एज के लिए लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है राइट साइड की। जब हम डिजाइन शुरू करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट रो है राइट साइड की, यहीं से शुरू करना है हमें। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको हमने ऐसे ही निकाला। उसके बाद ये 1 2, ये 2 फंदे हमने सीधे बिने। उसके बाद इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई में से लेके और पीछे से सिलाई डाल के इन्हें सीधा बिन लेंगे, और इन्हें निकालेंगे नहीं अभी, ऐसे सीधा बिना। फिर धागे को ऐसे गोल घुमा के लपेटेंगे इसमें ऐसे, और इन 3 फंदों में से ये एक फंदा इसको बिन लेंगे सीधा। ये देखिए ऐसे, और फिर निकाल लेंगे सब। फिर धागा आगे करेंगे और 7 स्टिचेस उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा पीछे करेंगे। ये हमारी ये 12 स्टिचेस की थी हमारी ये बिनाई, ये 12 फंदों की बिनाई थी। ये 12 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, 5 फंदे ये और 7 फंदे ये। उसके बाद फिर हमारा यहाँ से पैटर्न रिपीट होगा। फिर हम ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे। उसके बाद इन 3 फंदों को ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे और इनको सीधा बिनेंगे ऐसे, ये फिर गोल घुमा के पीछे ले गए और इन 3 फंदों में से पहले फंदे को पीछे से सिलाई डाल के सीधा बिनेंगे। धागा आगे करेंगे और 7 फंदे सीधे बिनेंगे, सॉरी उल्टे बिनेंगे। फिर वही करना है हमें, ये 2 फंदे सीधे बिने, फिर इन तीन फंदों को पीछे से सिलाई डाल के ऐसे सीधा बिना, फिर लपेटा इसी में और एक फंदे को सीधा बिन दिया ऐसे। ये एज स्टिच है हमारी, इसे सीधा बिन। ये देखिए फर्स्ट रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है अपनी। अब ये रॉन्ग साइड है हमारी, सेकेंड रो है, और रॉन्ग साइड हमेशा एक जैसी ही बनेगी। इसमें रॉन्ग साइड हमेशा ऐसे ही बनानी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये एज स्टिच है, इसको ऐसे ही निकाला। उसके बाद ये 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। उसके बाद इन 3 फंदे को एक साथ लेके उल्टा बिनेंगे। ये 3 फंदे एक साथ उल्टे बिने, फिर इस धागे को गोल घुमा के ऐसे ही लाए, आगे लाए, और इन 3 फंदों में से एक फंदे को ऐसे उल्टा बिन लेंगे और फिर इन तीनों को निकाल देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और ये 7 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देन धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बिने हमने शुरू के, और फिर इन 3 फंदों को एक साथ लेके उल्टा बिना, फिर ऐसे गोल घुमाया इसमें और ये एक फंदे को ऐसे उल्टा, और फिर तीनों को निकाल देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बिनेंगे। सॉरी
सात फंदे सीधे बनेंगे, फिर वही करना है धागा आगे, दो फंदे उल्टे और फिर इन तीन फंदों को ऐसे एक साथ सिलाई में चढ़ा के उल्टा बिनेंगे, फिर गोल घुमाया इसी सिलाई में लपेटा और एक फंदे को उल्टा बिनते धागा पीछे, ये एज स्टिचेस सीधा बिनेंगे। अब देखिए ये हमारी थर्ड रो है राइट साइड की, ये हमारे सेम फर्स्ट रो की तरह की बनानी है हमें स्टिचे हमारी। इसको सीधा निकाला, उसके बाद दो फंदे सीधे बिने और फिर ये तीन फंदे एक साथ लेके ऐसे सीधा बिना गोल घुमा के पीछे ले गए और इसका एक फंदा ऐसे पीछे से सिलाई डाल के सीधा बिन गया। धागा आगे, सात फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है फर्स्ट रो की तरह अपनी। ये देखिए यहाँ से फिर रिपीट होगा हमारा पैटर्न पूरा, ऐसे ही कंप्लीट करेंगे हम इसे। अब देखिए हमारी फिफ्थ रो है, चार रो हमने ऐसे ही बिन ली है जिसमें हमारा केवल यहाँ पे डिजाइन आया है अभी किनारे वाले ही। अब हम ये बीच वाला डिजाइन डालेंगे इसमें, तो किनारे वाला डिजाइन तो वैसे ही चलेगा, ये एक्स्ट्रा स्टिच है। फिर इसके बाद दो फंदे सीधे बिने, फिर ये वाला तीन फंदों का एक करा, ये वैसे ही चलेगा हमारा, इसको पलटा ऐसे और एक फंदा हमने सीधा बिन लिया तीनों में से और तब इन तीनों फंदों को निकाल लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और ये जो सात फंदे हैं उनमें से एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे, उसके बाद इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, दो का एक करना है हमें। ये देखिए तीन फंदे इधर हो गए हैं, तीन फंदे इधर हो जाएंगे और एक जो ये मिडिल की स्टिच है, ये मिडिल वाला फंदा है, उसमें से हम एक दो तीन चार, एक दो तीन चार इसके नीचे से बनाएंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे फर्स्ट उसमें बनाया था तो हम ऐसे ही बनाएंगे एक दो तीन चार इसके नीचे से, और जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना डिजाइन तो हम ये देखिए इन दोनों फूल के बीच में ये एक ही गैप दिख रहा है, हम इसमें डालेंगे इस लाइन, क्योंकि जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारी इस डिजाइन के बाद जो रॉन्ग साइड है उसकी एक रो बढ़ जाएगी, इसलिए अब हम इसमें इस वाले होल में डालेंगे। धागे को पीछे करेंगे पहले और फिर ऐसे करके इस होल में डाल के, ये देखिए एक फंदा बनाया हमने, उसके बाद ये बीच वाला फंदा हम धागा आगे करके उल्टा बिनेंगे, उसके बाद फिर धागा पीछे करेंगे और फिर उसी जगह से ऐसे करके एक और फंदा बनाएंगे। ये दो फंदे बन गए, फिर धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, फिर धागा पीछे धागा आगे ही रहने देंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर ये बीच वाला डिजाइन आ गया, वन टू दो सीधे बिने, उसके बाद इन तीनों को ऐसे सीधा बिना, फिर गोल घुमाया ऐसी सिलाई में और एक फंदा सीधा बिना और निकाल लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर वही एक फंदा उल्टा बिना और इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बिना, फिर ये बीच वाला फंदा है इसमें ये जो होल दिख रहा है इसमें इन दोनों फूल्स के बीच में ये होल दिखेगा आपको, इसमें डालना है हमें सिलाई को ऐसे धागा पीछे करके और एक फंदा बनाना है इस तरीके से, फिर धागा आगे करके इस फंदे को उल्टा बिन लेंगे और फिर धागा पीछे करके उसी जगह से एक और फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे एक साथ लेके उल्टे बिनेंगे और
से ये एक फंदा उल्टा कर लेंगे। फिर हमारा वही पांच फंदों का डिजाइन आ जाएगा, दो फंदे सीधे बिने और इन तीन फंदों को एक साथ लेके सीधा बिना गोल घुमाया और इसे सीधा बिना। ये एक्स्ट्रा स्टिच है। ये देखिए हमारा डिजाइन बन गया है। इसकी रॉन्ग साइड वैसे ही बनेगी इसके बाद जैसी बनती आ रही थी, और रॉन्ग साइड बना दी है मैंने। ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा इस डिजाइन का। थैंक यू।